नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। हम स्वामी विवेकानंद के इंस्पायर्ड टॉक्स या इंग्लिश हिंदी में देववाणी पढ़ रहे हैं और कल हमने स्वामी विवेकानंद का 1 जुलाई 1896 संभवतः 96 नहीं 98 या 99 होगा 1896 99 1 जुलाई को उन्होंने श्री रामकृष्ण देव पर जो कहा था उसको हमने पढ़ा था कल, कि उसी को हम आगे पढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक जिसको स्वामी जी ने कहा द माइल्ड टाइप। द माइल्ड टाइप क्रिएट्स, द थंडरिंग टाइप स्प्रेड्स। पॉल वॉज द थंडरिंग टाइप टू स्प्रेड द लाइट। और कुछ लोगों का कमेंट है कि स्वामी विवेकानंद इसी प्रकार से थंडरिंग, थंडरिंग यानी क्या, प्रचारक, यानी जो है कुछ लोग इस प्रकार के कोमल हृदय व्यक्ति ही नूतन भाव की सृष्टि करते हैं और कर्म प्रवण लोग इस भाव को चारों ओर फैला देते हैं। सेंट पॉल इस दूसरी कोटि के थे, इसीलिए उन्होंने सत्य का आलोक चारों ओर फैलाया। कुछ लोग हैं जो एक स्थान पर रहते हैं, अपना ध्यान जप करते हैं, परमात्मा में मन लगाए रहते हैं। दूसरे लोग जो हैं वो प्रचार प्रसार करते हैं, उनमें शक्ति होती है, बहिर्मुखी शक्ति होती है, उससे वे प्रचार करते हैं। और इसके संबंध में पिछली बार यानी कल हमने काफ़ी विस्तार से बात किया था, कैसे श्री राम कृष्ण ने स्वामी विवेकानंद के संबंध में कहा था तोर हार्ड काज कर वे, तेरे को प्रचार करना ही होगा, उसके बिना तू रह नहीं सकता क्योंकि तेरा स्वभाव है। वो बात हमने पिछली बार की थी। अब इसके आगे हम पाठ करते हैं। कुछ जैसा मैंने कहा कि ये बिखरे बिखरे विचार हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रिंसिपल्स, बहुत महत्वपूर्ण एक सिद्धांत जैसे बात कही है। कुछ कोटेशंस जिसे हम कहते हैं कि वो ऐसे महत्वपूर्ण हैं, उसके अंदर कई बातों का सार होता है। जैसे अब कहते हैं स्वामी जी, द एज ऑफ सेंट पॉल हाउएवर इज गॉन, वी आर टू बी द न्यू लाइट फॉर दिस डे। सेंट पॉल का जमाना चला गया, विवेकानंद का जमाना चला गया, अब कौन है, तो ब्रह्मेशानंद का जमाना आ गया। केवल ब्रह्मेशानंद का नहीं, बहुत सभी लोगों का आ गया। आलोकानंद का जमाना आ गया, हम लोगों का जमाना आ गया, हम लोग भी वही कार्य करेंगे। स्वामी जी ने विस्तार से किया, एक स्वामी विवेकानंद ने इस ठाकुर का नाम सर्वत्र प्रचार किया। अब विवेकानंद नहीं है, छोटे छोटे बहुत सारे हैं, छोटे छोटे हम सभी विवेकानंद हैं। स्वामी जी कहते थे मैं चाहता हूँ तुम में से सभी मुझसे महान बनो। तो हम में भी कुछ लोग हैं जो बैठे ध्यान जप करते रहते हैं, प्रचार नहीं करते, लेकिन हम में से कुछ ऐसे भी हैं जो प्रचार प्रसार करते हैं। तो इसीलिए स्वामी जी कहते हैं द एज ऑफ सेंट पॉल हाउएवर इज गॉन, वी आर टू बी न्यू लाइट्स फॉर दिस डे। एक अकेला सेंट पॉल के लिए, एक विवेकानंद के लिए हमें ठहरना नहीं है, अब सभी लोग हैं वो प्रचार करेंगे, सभी लोग ध्यान जप करेंगे, माइल्ड टाइप भी होंगे और एक्टिव टाइप भी होंगे, ध्यान जप भी करेंगे, अपने जीवन को बनाएंगे, भगवत साक्षात्कार भी करेंगे और साथ में प्रचार भी करेंगे। तो स्वामी जी ये बात कहते हैं, इसको हिंदी अनुवाद देख लें, हमें ही आधुनिक जगत का नूतन आलोक स्वरूप होना होगा, हमारे युग का अब विशेष प्रयोजन है जो अभी आ रहा है, एक ऐसे संघ का निर्माण जो स्वयं अपने को देश कालोपयोगी बना लेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात। दूसरी बात का, पहली बात तो यह है कि अब विवेकानंद के बदले तुम ही सब हो। दूसरी बात क्या है, ए सेल्फ एडजस्टिंग
Organization is the great need of our time. When we can get one, that will be the last religion of the world. Swamiji, Hindi anuvad kya hai? Hamare yug ka ab vishesh prayojan hai aise sangh ka, an organization, self-adjusting, jo swayam apne ko desh kalopayogi bana lega. ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल. और देखिए, हम यहाँ जो बात पढ़ रहे हैं, स्वामी जी ने कई प्रकार की बातें कही, श्री राम कृष्ण की साधना की बातें कही, यहाँ पर जो बात कर रहे हैं इसको हम धर्म का सामाजिक पक्ष कहते हैं, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन. धर्म का एक आध्यात्मिक पक्ष होता है, एक स्थान में ध्यान जप करना है, साधना करना है, भजन कीर्तन करना है, शास्त्र अध्ययन करना है, वो अपने लिए, अपने आप को बनाने के लिए. और दूसरा सेवा कार्य करना है, प्रचार प्रसार करना है. ये दोनों यहाँ पर हैं, ये मठ है तो यहाँ पर ये सब कार्य हो रहा है, पूजा होती है, और यहाँ पर प्रवचन होते हैं, शास्त्र अध्ययन होते हैं, वहाँ पर सेवा हो रही है. तो कुछ लोग हैं जो मठ में रहेंगे, यहाँ पर ध्यान जप इत्यादि करेंगे और उसके बाद प्रचार करेंगे, सेवा करेंगे. स्वामी विवेकानंद ने तो नियम ये भी बनाए थे कि प्रत्येक सन्यासी रामकृष्ण मिशन का वो कुछ समय तक मठ में रहेगा और बाद में बाहर काम करेगा. प्रत्येक साधु के जीवन में वो प्रचार भी करेगा, मिशन में भी काम करेगा और मठ में भी जाकर रहेगा. जाओ, अभी जाओ, तुम 6 महीने के लिए वाराणसी मठ में रहो, वहाँ पर ध्यान जप करो, साधना करो, उसके बाद हम बुलाएंगे. 6 महीने हुए, उसके पहले नहीं, 5 महीने पहले ही बुला लिया, चलो. तो नहीं महाराज, मैं यहाँ जाना नहीं चाहता, यहाँ से नहीं, नहीं चलो, तुमको इसके लिए नहीं भेजा था. दोनों की आवश्यकता है. चलो, कहाँ जाना है तुमको? साउथ अफ्रीका में सेंटर बना है, वहाँ पर तुमको वहाँ काम करना पड़ेगा, दूसरी जगह जा जा के आपको संग करना पड़ेगा. तो ये क्या हुआ? स्वामी जी कहते हैं ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, और ये एक सामाजिक पक्ष है धर्म का, इसको भी हमें समझना चाहिए. लेकिन आध्यात्मिक पक्ष को सेकेंडरी नहीं समझना चाहिए. कुछ लोग जो सोशियोलॉजी और स्टेट्स ऑफ रिलीजन हैं, यानी धर्म को एक सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र के रूप में उसका अध्ययन करते हैं, उन लोगों की मान्यता तो यह है कि धर्म मूलतः एक सामाजिक क्रिया है, एक सोशल फिनोमिना. स्वामी जी क्या कहते हैं? स्वामी जी वो नहीं कहते. रिलीजन इज रियलाइजेशन, इट इज बीइंग एंड बिकमिंग. ईश्वर दर्शन जीवन का उद्देश्य है, गोल इज टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी विद इन. तो श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद इस बात को जोर देते हैं. लेकिन जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, समाजशास्त्री हैं, इस पर अध्ययन करने वाले, वे कहते हैं तो होता क्या है कि एक रामकृष्ण ने, एक मिस्टिक जिसने आध्यात्मिक जीवन में अनुभूति की है, भगवत दर्शन प्राप्त किया है, उसको कहते हैं मिस्टिक. उसने किस लिए किया? स्वयं के साक्षात्कार के लिए. उसके बाद वो क्या करता है? वो कहता है कि देखो, उसमें बड़ा आनंद है, तुम मुक्त हो जाओगे. मुक्ति जीवन का उद्देश्य है, जीवन मुक्ति जीवन का उद्देश्य है, तुम मुक्त हो जाओ, आनंद प्राप्त करोगे. आओ, क्या करो? साधना करो. अब साधना करने में क्या है? सत्य बोलोगे, अहिंसा का अनुभव करोगे, ब्रह्मचर्य पालन करोगे, अपरिग्रह करोगे, जैसा मैंने किया श्री राम कृष्ण के जीवन में. उन्होंने सन्यासी संघ को बना दिया, सन्यासी भी यही तो, ब्रह्मचर्य, सत्य, अहिंसा इत्यादि का पालन करेंगे. और उसके बाद में जो गृहस्थ आएंगे वो भी इन मॉरल वैल्यूज, नैतिक आदर्शों को जीवन में उतारे बिना क्या केवल कोई ध्यान जप माला घुमाने से होता है? नहीं होता. तो सन्यासी एक प्रकार से सत्य, अहिंसा इत्यादि का पालन करेंगे, गृहस्थ एक प्रकार से करेंगे, लेकिन सबको करना पड़ेगा, तभी आपको ईश्वर दर्शन होगा. अब ये जो वैल्यूज हुई, सत्य का पालन, अहिंसा का पालन, ब्रह्मचर्य का पालन, अपरिग्रह, अचौर्य, ये क्या है? ये मॉरल वैल्यूज है? ये सामाजिक वैल्यूज है? समाज के मूल्य हैं? तो श्री रामकृष्ण की प्रेरणा से कितने हजारों लाखों लोग, श्री रामकृष्ण ने कहा सत्य कलयुग की तपस्या है, कितने लोग प्रयत्न कर रहे हैं उस सत्य को पालन करने के.
कितने लोग ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, कितने लोग अपरिग्रह करने का पालन कर रहे हैं, क्योंकि श्री रामकृष्ण तो छू तक नहीं सकते थे धातु। तब देखिए एक मिस्टिक, एक ईश्वर साक्षात्कार करने वाले रामकृष्ण के परिणाम स्वरूप कितने हजारों लाखों लोग सामाजिक मूल्यों का पालन कर रहे हैं, तो परिणाम सारे विश्व में होता है, समाज में होता है, राष्ट्र में होता है, सारा राष्ट्र परिवर्तित हो जाता है। इसलिए जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, समाज शास्त्री हैं, वे कहते हैं कि अरे भाई भले ही उस प्रॉफिट ने, श्री राम कृष्ण ने भगवत साक्षात्कार किया हो, लेकिन सच पूछा जाए तो धर्म जो है वो एक सामाजिक प्रक्रिया, सारे समाज को परिवर्तन, एक व्यक्ति सारे समाज को परिवर्तन कर देता है, नए मूल्य प्रदान करता है। और ये मूल्य, अब दूसरी भी वैल्यूज हैं, साइंस की वैल्यूज हैं, कम्युनिज्म है, कम्युनिज्म ईश्वर को नहीं मानता, वो कहता है ऐसे ऐसे रहो, समाज में इस प्रकार से रहना चाहिए, ये नियमों को पालन करना चाहिए, ईश्वर विश्वर की जरूरत नहीं है। लेकिन ये नहीं जानते कि धर्म ठीक ठीक पालन करने पर एक बहुत बड़ा सामाजिक आंदोलन बन जाता। तो यहां पर अभी जो स्वामी जी बात कर रहे हैं, ये सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, धर्म का जो सामाजिक पक्ष है उसकी चर्चा कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा, एन एडजस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन इज द ग्रेट नीड ऑफ द टाइम। सेल्फ एडजस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसका हिंदी अनुवाद क्या, ऐसे संघ की विशेष प्रयोजन है जो देश कालोपयोगी अपने को बना ले वे। तात्पर्य क्या है, उदाहरण ले लीजिए, छोटा सा उदाहरण है, ये वाराणसी अद्वैत सेवाश्रम प्रारंभ हुआ आज से 100 साल पहले प्रारंभ हुआ। सड़क पर पड़े हुए रोगी नारायण को उठाकर सन्यासी लोग लाते थे, यहाँ रखते थे और रोगी नारायण की ड्रेसिंग करते थे। उस समय भारत की आबादी कितनी थी, 30 करोड़ होगी, 20 करोड़ या 30 करोड़ 1900 की बात है, यहाँ पे लिखा हुआ 1900, 20 या 30 करोड़ होगी। आज कितनी आबादी है, 135 करोड़। जमाना बिल्कुल बदल गया, वहां पे अब जाएंगे तो सड़क पे आपको लोग भी मिलेंगे भी नहीं जिसको उठा के लाएंगे। अब इस आश्रम, इस हॉस्पिटल को अपग्रेड करना पड़ा, सारा बदल गया। पहले रोगी नारायण की सेवा ये लोग कर लेते थे, नहीं अब नर्सेस लगानी पड़ी। इसलिए टाइम के अनुसार परिवर्तन अत्यंत आवश्यक है, और ऐसा संघ होना चाहिए जो देश कालोपयोगी परिवर्तन कर सके, अपने आप में परिवर्तन कर सके। अन्यथा पहले क्या होता था, पहले एक अवतार आता था, राम आए, राम ने एक संदेश दिया, लोगों ने पालन किया, राम को पकड़ लिया, आज भी पकड़े हुए हैं, ऐसी नहीं कि नहीं है। लेकिन ये कृष्ण को वापस आने की क्या आवश्यकता थी, राम को पुनः अवतार लेने की क्या आवश्यकता थी, राम का उपदेश संदेश वो पुराना हो गया, 500 साल हो गए, जितने साल हो गए, कृष्ण ने एक संदेश दिया, उसके बाद चैतन्य आए, ईसा मसीह आए, और अब राम कृष्ण आए। देश काल पात्र के अनुसार ये अवतार आते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि देश काल के अनुसार ऐसी एक संस्था बनाई जाए जो देश काल के अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर सके, तो फिर नए अवतार की क्या आवश्यकता, नए धर्म की क्या आवश्यकता, नए धर्म की कोई आवश्यकता। इसीलिए कहते हैं, When we get that will be the last religion of the world। और सच पूछा जाए तो श्री रामकृष्ण के बाद में अब लास्ट रिलीजन नहीं, श्री रामकृष्ण ने तो सब कह दिया, जो तो मत तो पथ। तो आज तक जितने भी धर्म हुए हैं, अब एक लिस्ट बना लीजिए, तो आप सनातन धर्म, हिंदू धर्म लीजिए, ईसाई धर्म लीजिए, इस्लाम धर्म लीजिए, यहूदी धर्म लीजिए, और ये तो बड़े बड़े धर्म हैं, उसके बाद छोटे छोटे बहुत सारे उसके ब्रांचेस ले लीजिए,
आप डिक्शनरी में चले जाइए, रिलीजन की एनसाइक्लोपीडिया में देख लीजिए, कंप्यूटर पर जाकर देख लीजिए, बहुत सारे संप्रदाय हैं, छोटे मोटे संप्रदाय। कुछ संप्रदाय बोलते हैं ना हिंदू हैं हम, ना मुस्लिम हैं, ना ईसाई हैं, हम अलग से हैं। स्वामी जी कहते हैं ये होना चाहिए। अब उसकी दूसरे की जरूरत क्या है? तुम यदि राम को मानते हो तो राम को मान लो, कृष्ण को मानते हो तो कृष्ण को मानो, ईसा को मानते हो तो ईसा को मानो, तुम्हारे पास तो बहुत सारी चॉइस है। राम कृष्ण को मानते हो तो राम कृष्ण को मान दो, और राम कृष्ण को अगर मानो तो कौन से राम कृष्ण को मानो? श्री राम कृष्ण के तो विभिन्न रूप थे, वो तो एक अद्वैत वेदांती भी थे, परम भक्त भी थे, राम भक्त थे, कृष्ण भक्त थे। आप पढ़िए श्री राम कृष्ण को, आजकल मैं थोड़ा सा अनुवाद कर रहा हूँ तो वो श्री राम कृष्ण हाउ टू लिव विद गॉड इन कंपनी ऑफ श्री राम कृष्ण अनुध्यान यदि क्या किताब का नाम है उसको, तो देखा श्री राम कृष्ण के तो कितने रूप हैं, कोई सा भी ले लीजिए आप, अब उसको दूसरा रूप देखने की जरूरत नहीं। राम कृष्ण को राम के रूप में ले लीजिए बस। कोई कहेगा अरे श्री राम कृष्ण तो कृष्ण भी थे, होए होंगे, मेरे को तो राम कृष्ण इज राम ही ठीक काफी। स्वामी जी कहते हैं कि एक धर्म ऐसा हो जो अपने आप को परिवर्तित कर सके देश काल के अनुसार, तो फिर और कोई नए धर्म की आवश्यकता नहीं रहे। फिर आगे क्या कहते हैं? When we can get one, that will be the last religion of the world. The wheel must turn and we should help and not hinder. ये जो काल का प्रवाह है, ये व्हील जिसे कहते हैं, ये काल चक्र है, वो परिवर्तित हो रहा है। अब पकड़ के रखना है कि नहीं, ये जो सेवाश्रम है ये पुराने जमाने का ही चलना चाहिए, ये तो जमाना बदल गया, ये क्या हो गया, ये उस समय रोगी नारायण की सेवा साधु लोग करते थे, वन बिहारी महाराज ने किया इतनी सेवा, अब ये सब बदल दिया आप लोगों ने, ये तो बहुत बुरा हो गया। नहीं, ये चक्र चल रहा है, काल के चक्र से परिवर्तन हो रहा है, और उस परिवर्तन में हमें योगदान देना है, उसे समझना है कि ये ठीक है। आप देखिएगा बेलूर मठ एक प्रकार का था, आप जाके देखिए बदल गया, बहुत बिल्डिंग्स हो गई है। तो काल के अनुसार परिवर्तन करना होगा, और नहीं करोगे तो आप खुद समाप्त हो जाओ। तो स्वामी जी इस प्रकार की बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, द व्हील मस्ट टर्न एंड वी शुड हेल्प नॉट हिंडर। संसार चक्र चलेगा ही, हमें उसकी सहायता करनी होगी, बाधा देने से काम नहीं चलेगा। मैं यहाँ थोड़ा सा जोड़ दूं, जो बाधा देने का प्रयत्न करेगा वो रास्ते से हटा दिया जाएगा। नानाविध धर्म भाव रूपी तरंग उठती है, गिरती है, और उन सभी तरंगों के शीर्ष स्थान पर द वेव्स ऑफ रिलीजियस थॉट राइज एंड फॉल ऑन द टॉप मोस्ट वन स्टैंड द प्रॉफिट ऑफ द पीरियड। अब दूसरा सिद्धांत, मैंने कहा ना एक पैसेज के अंदर स्वामी जी ने कई विचारों को दे दिया है, या फिर उन्होंने दिया तो अलग होगा, जिसने इसको कंपाइल किया है, जिसने संकलित किया है, उसने सब जोड़ दिया। स्वामी जी क्या कहते हैं कि वेव ऑफ रिलीजियस थॉट, धार्मिक विचार की एक तरंग उठती है और गिरती है, और उसके ऊपर जब लहर उठी और गिरेगी, उठी गिरेगी लहर जाती है ऊपर नीचे, उसके जो ऊपर सबसे ऊपर एक प्रॉफिट, एक अवतार, एक युग अवतार वहाँ पर विद्यमान है। जब उठती है तब वो उठते हैं, हमेशा पतन होता है। तो ये जो चक्र, धर्म चक्र, ये सब जो चल रहा है ये चलेगा, लेकिन पतन भी होगा। स्वामी जी इसको स्वीकार करते हैं, इस पतन के जब ऊपर उठेगा तो उसमें एक अवतार वहाँ पर रहेगा, देशकाल उपयोगी एक नया संदेश देगा। तो स्वामी जी ये कहते हैं कि रामकृष्ण केम टू टीच द रिलीजन ऑफ टुडे कंस्ट्रक्टिव नॉट डिस्ट्रक्टिव। अब उसमें श्री रामकृष्ण उस पर विराजित हैं, उस तरंग पर, ये बात उन्होंने नहीं कही, केवल सिद्धांत कहा है कि धर्म का जब उतार चढ़ाव होता है, तब जब उतार या उसमें हानि होती है, उसके बाद में चढ़ाव के ऊपर वहाँ पर एक अवतार विद्यमान रहता है।
अब कहते हैं वर्तमान युग के उपयुक्त धर्म की शिक्षा देने श्री राम कृष्ण आए थे, जो विधायक हैं न कि विध्वंसक। ही इज कंस्ट्रक्टिव नॉट डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव क्या क्या अर्थ है? जैसे आप बुद्ध की बात ले लीजिए, बुद्ध ने वेदों को नकार दिया, वेदों को बुरा बताया, ये क्या हुआ? निगेटिव, डिस्ट्रक्टिव। इस्लाम तो उसमें बहुत सारा निगेटिव है। ईसाई धर्म वो भी पौतली का आइडल वर्शिप, मंदिरों को तोड़ो, ये नहीं, ये क्या है? डिस्ट्रक्टिव। श्री राम कृष्ण ने सबको स्वीकार किया, और मैंने पिछली बार ही कहा था, यहाँ तक कि कर्ता भजा इत्यादि, जिनमें अभी स्वामी जी भी इसके बाद यहाँ पर कहेंगे कि जो निम्न कोटि की चीज़ें होती हैं उनको भी, जो लगता है कि यह अनैतिक हैं उनको भी श्री राम कृष्ण कहते हैं नहीं, ये भी एक मार्ग। जिसे वाम मार्ग कहते हैं, तंत्र कहते हैं, तंत्र का तो कई अंग हैं उसके, ये क्या है थोड़ा सा उसको समझ लें, खास करके वाम मार्ग को समझ लें, तंत्र क्या है। श्री राम कृष्ण ने किसी को नष्ट नहीं किया, और ये तंत्रों की रचना एक समय में हुई हमारे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वैदिक आचरण करना धीरे धीरे कठिन हो गया। तब हमारे आचार्यों ने क्या किया, उन्होंने देखा कि जिन वस्तुओं से के माध्यम से हम पतित होते हैं उन्हीं के माध्यम से उठने का प्रयत्न करना। उदाहरण के लिए हमको खाने पीने की चीज़ अच्छी लगती, भोग करना चाहते हैं, ठीक है करो, क्या करें, लेकिन ठाकुर को लगा के करो, श्री राम कृष्ण को भोग लगा के करो। तो पूजा जो होती है काली की पूजा, ये तांत्रिक विधि से होती, दुर्गा की पूजा तांत्रिक विधि से होती, तो वहाँ पर ऐसी चीज़ें जो हमें भोग या पतन की ओर ले जावे उनको भगवान से जोड़कर उससे ऊपर उठने की बात आ जाए। यहाँ तक कि मदिरा, मांस, मैथुन, ये जो चीज़ें हैं पंचमकार, इनको तक स्वीकार कर लिया गया, और श्री राम कृष्ण ने साधना की इसके माध्यम से। अब देखें कि समाज इस प्रकार का हो गया है, ए व्यक्ति की ऐसी प्रवृत्ति है भोग के ना रह नहीं सकता, कि ठीक है तुम भोग करो लेकिन इस प्रकार करो। श्री राम कृष्ण ने सुरेंद्र से कहा, शराबी थे वो, बिना शराब के चलता नहीं था। श्री राम कृष्ण ने कहा कि अरे माँ जगदम्बा को ऑफर करके पियो ना, तो शराब छूटी नहीं, लेकिन शराब का प्रभाव छूट गया। शराब पीते थे और उसके बाद माँ जगदम्बा का नाम लेते थे और माँ जगदम्बा की ही बातें करते थे। गिरिशचंद्र घोष को कहा कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं, वो तो कहते थे कि मैंने इतने पाप किए हैं कि इतनी शराब पी है कि बॉटल लेके ऊपर रखो तो ऊपर तक पहुँच जाएगी। श्री राम कृष्ण कहते थे जो दोष हैं उनको भगवान की ओर मोड़ दो। स्वामी तुरियानंद जी हरि आए, उन्होंने कहा कि महाराज ये काम बड़ा तंग करता है युवा उम्र में, इसको काम को नष्ट कर दीजिए। अरे काम को नष्ट क्यों करना रे, इसको भगवान की ओर मोड़ दो, ये तो शक्ति है। लोभ को भगवान की ओर मोड़ दो, क्रोध करना हो तो भगवान से करो, भगवान से झगड़ा करो, क्रोध करना हो तो भगवान के जीव बाधाएँ जो हैं उनसे क्रोध करो, ये सारे दोष जो हैं उनको उदात्त करो। तो यही बात यहाँ पर कहते हैं, यह जो श्री राम कृष्ण ने जो धर्म बताया है जो विधायक है विध्वंसक नहीं, ध्वंस नहीं करता किसी को। श्री राम कृष्ण ये मत करो ऐसा नहीं कहते। गिरिशचंद्र घोष स्वयं कहते हैं कि मेरा स्वभाव तो ऐसा था, बड़े वो जिसे कहते ना कि बड़े कट्टर, यानी एक हठी स्वभाव कहते, स्वभाव तो ऐसा था कि अगर कोई मुझे कहता कि शराब मत पियो तो मैं और पीता, जो किस काम करने को मना करेंगे वो करेंगे। लेकिन श्री राम कृष्ण ऐसे गुरु थे कि उन्होंने एक दिन भी मुझे यह नहीं कहा कि यह मत करो, और अपने आप छूट गया।
क्यों? श्री रामकृष्ण जो कहते थे ये अच्छा है, इसको करते जाओ ना, अच्छा है करते जाओ करते जाओ, जो बुरी चीज़ है वो अपने आप छूट जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर बात कही गई है। क्या है? श्री रामकृष्ण केम टू टीच द रिलीजन ऑफ टुडे कंस्ट्रक्टिव एंड नॉट डिस्ट्रक्टिव। और ये बात हमें ध्यान रखनी है जब हम लोगों से मिलें, अपने युवक वर्ग को, अपने बच्चों इत्यादि को जब डेवलप करें तो उनको नकारात्मक उपदेश न देवें, उनको ये डोंट ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ऐसा नहीं। अच्छा ये अच्छा किया तुमने और करो, अच्छा ये अच्छा किया, एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव सकारात्मक दिशा प्रदान करना, ये बहुत महत्वपूर्ण। तो स्वामी जी ने एक वाक्य में श्री रामकृष्ण के संदेश का एक बहुत बड़ा अंश हमारे समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। टुडे कंस्ट्रक्टिव रिलीजन एंड नॉट डिस्ट्रक्टिव रिलीजन। ही हैड टू गो फ्रेश टू नेचर टू आस्क फॉर फैक्ट्स एंड ही गॉट साइंटिफिक रिलीजन विच नेवर सेज बिलीव बट सी। आई सी एंड यू टू कैन सी, यूज द सेम मीन्स एंड यू विल रीच द सेम विजन। अब एक दूसरी बात श्री रामकृष्ण की विशेषता के बारे में कहते हैं, वो क्या कहते हैं? श्री रामकृष्ण जो उन्हें अभिनव ढंग से प्रकृति के समीप जाकर सत्य जानने की चेष्टा करनी पड़ी थी। ही हैड टू गो अफ्रेश टू नेचर टू आस्क फॉर फैक्ट्स एंड ही गॉट साइंटिफिक रिलीजन। और उसके फलस्वरूप उन्होंने वैज्ञानिक धर्म को प्राप्त कर लिया था। वह धर्म किसी को कुछ मान लेने को नहीं कहता है, स्वयं परख लेने को कहता है। मैं सत्य का दर्शन करता हूँ, तुम भी इच्छा करने पर उसका दर्शन कर सकते हो। मैंने जिस साधन का अवलंबन किया है तुम भी उसी का अवलंबन करो, वैसा करने पर तुम भी हमारे सदृश सत्य का दर्शन करोगे। ईश्वर सभी के समीप आएंगे, इस सत्य भाव को सभी प्राप्त कर सकेंगे। श्री रामकृष्ण का एक बहुत महत्वपूर्ण बात, धर्म के क्या अंग हैं? फेथ, विश्वास, श्रद्धा, है ना? सब धर्म जो हैं वो विश्वास श्रद्धा पे निर्भर करते हैं। और फेथ इन व्हाट? एक गॉड, एक स्क्रिप्चर एंड ए मीन्स, एक भगवान में, एक परम सत्ता, और एक या तो पुस्तक और एक फिर आचार्य या फिर गुरु, और उसके बाद में वो मार्ग दिखाते हैं उनको फॉलो। तो सब के सब उसमें विश्वास करते हैं। सबसे पहले हम एक बार, तो मज़ेदार बात है, एक बार कहीं पर सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था, जैसे पब्लिक मीटिंग होती है ना, सर्वधर्म सम्मेलन। तो एक हिंदू धर्म पर बोला, एक ईसाई धर्म पर बोला, जैन धर्म पर बोला, एक इस्लाम पर बोला, सब किया। तो जो इस्लाम पर बोले वो इस्लाम मुसलमान तो नहीं थे लेकिन अच्छे विद्वान थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा ला इलाही इल्लल्लाह अहमद बिन रसूलुल्लाह, है ना, उनका एक कलमा है। उन्होंने बोला और सबको बात बोलिए, आप लोग सब बोलिए। सबने बोला, उन्होंने कहा अब लोग, आप सब लोग मुसलमान बन गए। उसमें क्या कहा गया है? अल्लाह परम सत्य हैं और मोहम्मद रसूल जो हैं तो उसके रसूल यानी प्रॉफिट, संदेशवाद, ये उनका सिद्धांत। अब उसको स्वीकार करना, उसके आगे बात चलेगी तब आप मुसलमान। साक्षात्कार ईश्वर दर्शन की बात नहीं। जैन धर्म में भी है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन का अर्थ है सम्यक फेथ, विश्वास, अरिहंत में विश्वास, जो शास्त्र है उसमें विश्वास, गुरु में विश्वास। तो समस्त धर्म जो हैं वो विश्वास पर आधारित हैं, श्रद्धा पर आधारित हैं, ये तो बिल्कुल निर्विवाद बात। तो सबसे पहली स्टेप है हम कौन हैं? हिंदू हैं, बस आप विश्वास हो गया। अब उनसे पूछो कि हिंदू का अर्थ क्या, लोग जानते नहीं।
हिंदू का अर्थ ही नहीं जानते, कहते हैं हम हिंदू हैं। तो ज्ञान नहीं है, केवल विश्वास। अधिकांश लोग 90% लोग जो हैं वो विश्वास या श्रद्धा के आधार पर धार्मिक हैं और इतने अधिक नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसके विस्तार में जाना नहीं चाहता। उसके धर्म के विभिन्न पक्ष हैं। श्री रामकृष्ण ने क्या कहा, जो स्वामी विवेकानंद ने कहा, इफ देर इज ए गॉड वी मस्ट सी हिम, इफ देर इज ए आत्मन वी मस्ट रियलाइज इट। अगर आत भगवान है तो हमने उसे देखना चाहिए, और अगर आत्मा है तो उसका साक्षात्कार करना चाहिए। रिलीजन इज रियलाइजेशन, रिलीजन का अर्थ है साक्षात्कार, अनुभूति, केवल विश्वास सिद्धांत नहीं। और श्री रामकृष्ण ने यह महत्व दिया। ठाकुर के पास नरेंद्र गए, जो युवक आगे चल के विवेकानंद हुए, पूछा क्या आपने ईश्वर को देखा है, तो हाँ मैंने देखा, जैसे मैं तुझे देखता हूँ वैसा देखा है, तू चाहे तो तू भी देख सकता है, लेकिन मैं कौन देखना चाहता है, कोई नहीं देखना चाहता, सब रोते हैं, घड़े भर रोते हैं, पत्नी के लिए, धन के लिए, पुत्र के लिए, सब आंसू बहाते हैं, भगवान के लिए कौन रोता है, मैं जैसा कहूँ वैसा करो, तुमको साक्षात्कार। ये क्या है, साइंटिफिक रिलीजन। साइंटिफिक रिलीजन कहता है कि ये पानी जो है यह है H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब कहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नहीं आप लेबोरेटरी में जाइए, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के बता देगा कि ये देखो पानी बन गया। विज्ञान का यही तो है, विज्ञान कहता है किसी चीज को मानना नहीं है, तुम खुद जाकर उसका अनुभव करके उसको स्वीकार कर सकते। ऑफकोर्स इसके यहाँ पर यह बात भी है, वैज्ञानिक अंधविश्वास भी हैं। आइंस्टीन ने कहा है इसलिए आपने मान लिया, ऐसा नहीं, विचार कीजिए, आवश्यक हो तो एक्सपेरिमेंट कीजिए, प्रयोग कीजिए और स्वयं उसका अनुभव कीजिए, तब स्वीकार कीजिए। अब सारे वैज्ञानिक सत्यों का स्वीकार करना तो संभव नहीं, एक्सपेरिमेंट करना तो संभव नहीं, प्रयोग करके उसका स्वयं साक्षात करना संभव नहीं है, इसलिए हमको स्वीकार करना पड़ा। लेकिन जिस प्रकार विज्ञान खुला हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति उस चीज को जान सकता है, उसी प्रकार धर्म भी उतना ही खुला हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति उस सत्य को, ईश्वर नामक सत्य को स्वीकार कर सकता। विज्ञान कहता है कि यह जो बना हुआ है लोहा, ये तो मॉलिक्यूल से बना हुआ है। मॉलिक्यूल्स किससे बने हुए हैं, एटम से बने हुए। एटम किससे बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बने हुए। अरे ये क्या, आप कैसे हम पता लगाएं, कैसे माने, तो कि हम बता देते हैं आपको, आओ हमारे साथ लेबोरेटरी, आप आ जाओ हमारी प्रयोगशाला में और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के पीछे हम दिखा देंगे तुमको, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह सब तुमको दिख जाए। अब उसके लिए थोड़ी पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, तुम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं समझे, कम से कम तुम मैट्रिक कर लो, BA कर लो साइंस में, उसके बाद तुमको हम दिखा देंगे। ठीक इसी प्रकार से श्री रामकृष्ण कहते हैं कि धर्म के क्षेत्र में पूर्ण रूप से साइंटिफिक वैज्ञानिक है धर्म। आप अगर कुछ जानना चाहते हैं तो आप विज्ञान की प्रयोगशाला के अनुसार धर्म की प्रयोगशाला में जाइए, वहाँ पर थोड़ा सा आपको एटलीस्ट ग्रेजुएट इन साइंस तो होना पड़ेगा, ग्रेजुएट इन रिलीजन होना पड़ेगा, यानी साधन चतुष्टय थोड़ा सा पालन करना पड़ेगा, तब आप अधिकारी हो गए। उसके बाद नहीं तो आपको कैसे बताएंगे भगवान, उसके बाद में आपको बताएंगे देखो ऐसे ऐसे करो तो ईश्वर दर्शन। तो स्वामी जी बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं और ये आज के युग में बहुत स्पष्ट भी है। क्या है, आई सी एंड यू टू कैन सी, Use the same means and you will reach the same vision. जो प्रयोग मैंने कहे हैं, जो बातें मैंने कही हैं, उनको पालन करो तो आपको वही दर्शन होगा जो मुझे दर्शन हुआ, exactly वही होगा जो मुझे हुआ। God will come to everyone. Harmony is within the reach of all. Sri Ramakrishna's teachings are the gist of Hinduism. They were not peculiar to him. Nor did he claim that they were. He cared not for the name and fame. आगे क्या कहते हैं वे, मैंने जिस साधन का अवलंबन किया है
तुम भी उसी का अवलंबन करो, वैसा करने पर तुम भी हमारे सदृश सत्य का दर्शन करोगे। ओके, ईश्वर सभी के समीप आएंगे, इस समत्व भाव को सभी प्राप्त कर सकेंगे कि सभी में ईश्वर है और सभी के पास ईश्वर आ सकते हैं, सभी ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो ये समानता हुई ना कि मैं एक ब्राह्मण हूँ इसलिए मैं ही प्राप्त कर सकता हूँ, मैं सन्यासी हूँ इसलिए मैं ही प्राप्त कर सकता हूँ, दूसरा गृहस्थ है वो महिला है इसलिए नहीं प्राप्त कर सकते, ऐसा नहीं। श्री राम कृष्ण कहते हैं सभी ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात, पुनः श्री राम कृष्ण का योगदान है। उसके बाद में श्री राम कृष्ण जो कुछ उपदेश दे गए हैं वह सब हिंदू धर्म का सार स्वरूप है, उन्होंने अपनी ओर से कोई नई बात नहीं कही है, उन्होंने अपने ढंग से नई बात नहीं कही, लेकिन उस पुरानी बात को अपने जीवन में साक्षात्कार करके सिद्ध किया। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है विद्वान लोग उसे नाना प्रकार से कहते हैं, एक नाम यानी एक भगवान उसके अनेक नाम। श्री राम कृष्ण ने स्वयं करके दिखा दिया, अरे मैं इस मार्ग से भी गया हूँ, उस मार्ग से गया हूँ। शिव महिमना स्तोत्र में है रुचि नाम वैचित्र्यात् ऋजुकुटिल नाना पथ जुषाम नृणाम एको गम्य त्वमसि पयसा मर्णम इव। भक्त भगवान शिव की स्तुति करते हुए कहते हैं कि रुचि नाम वैचित्र्यात्, विभिन्न नाना प्रकार की रुचि के भिन्नता के कारण, हमारे टेस्ट और उपायों की भिन्नता के कारण, ऋजुकुटिल नाना पथ जुषाम, कोई सीधे मार्ग से जाता है, कोई टेढ़े मेढ़े मार्ग से जाता है, विभिन्न प्रकार के मार्ग से लोग जा रहे हैं, आपके पास ही पहुंच रहे हैं। एक हिंदू भी शिव जी को ही पहुँच रहा है, वो नाम उसने शिव बताया। एक मुसलमान दूसरे मार्ग से जा रहा है, नाम उसने अल्लाह कर लिया है। तीसरे ने गॉड नाम कर लिया है, लेकिन वे पहुँच रहे हैं एक ही स्थान पर। जिस प्रकार से विभिन्न नदियाँ विभिन्न मार्गों से आकर एक समुद्र को ही पहुँचती हैं, एक यमुना है एक दिशा में गई है यमुना गंगा मिलके, तो एक सिंधु नदी गई है, एक ब्रह्मपुत्र गई है, एक कावेरी गई है, ये सभी एक समुद्र को जाके मिल गए। तो ये जो शिव महिमन स्त्रोत्र में कहा है ये हिंदू धर्म का सार, इसीलिए हिंदू धर्म में इतनी विविधता है, इतने विभिन्न प्रकार के मतवाद हैं, उन सब को स्वीकार किया गया है। तो स्वामी जी कहते हैं वह सब हिंदू धर्म का सार स्वरूप है, उन्होंने अपनी ओर से कोई नई बात नहीं कही है, केवल अपने जीवन के द्वारा अपने साधना के द्वारा उसको उन्होंने सिद्ध किया, और वे उन सब अपनी बातों को बतलाने का भी कभी कोई दावा नहीं करते थे, वे नाम यश के लिए किंचित मात्र भी आकांक्षा नहीं रखते थे। क्या कहा है, द जिस्ट ऑफ हिंदुइज्म, दे वर नॉट पिक्यूलियर टू हिम, नॉट डिड ही क्लेम दैट दे वर, ही केयर नॉट फॉर नेम एंड फोन, मैंने कोई खास बात कही है ये मेरा संदेश है, श्री राम कृष्ण ने कभी ऐसा नहीं कहा, केवल यही कहा। क्या कहा, तुम आयो भगवान का दर्शन करो बस, और कुछ नहीं, तुम आयो भगवान का दर्शन करो, जो भी कोई उनके पास आता था ईश्वर दर्शन करो, देख लेते थे उसकी प्रकृति, देख लेते थे कांच में, जैसे कांच के अलमारी के पीछे की सारी बातें दिख जाती है उसके अलमारी के अंदर की, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को देखकर उसके भीतर क्या सार है वो सब देखकर उसके अनुसार उसको वो मार्गदर्शन देते थे। इतना करते थे, बाकी सिद्धांत श्री राम कृष्ण के सिद्धांत, जो तो मत तो पद और जात जितनी बातें हैं वो साधना की बातें हैं, कहीं पर फिलॉसफी जिसे आप कहेंगे वो चीज़ हम लोग करते हैं, फिलॉसफी ऑफ श्री राम कृष्ण, तो हम एक थीसिस लिखेंगे। श्री राम कृष्ण ने कभी फिलॉसफी नहीं किया, उनका तो सीधा है, जो आए हो ठीक है, ईश्वर दर्शन करना है तुम्हारा जीवन का उद्देश्य, व्याकुलता होके करो, तुम कौन हो, शाक्त हो तो हम महाकाली का उपासना करो, शैव हो तो शिव जी की उपासना करो, इस तरह से करो उस तरह से करो,
कुछ बाधा है तो मुझे बता दो, ऐसा करना है। गृहस्थ हो तो एक प्रकार से उनको मार्गदर्शन देते थे, सन्यासी हो उसको दूसरे प्रकार से मार्गदर्शन देते थे। ईश्वर दर्शन जीवन का साक्षात्कार है, ये कहते सीधी बात। अधिक विस्तार, अधिक कॉम्प्लिकेशन श्री रामकृष्ण ने कुछ नहीं किया। तो इसके बाद आगे चलें, कहते हैं उनकी अवस्था जब लगभग 40 वर्ष की थी तब उन्होंने प्रचार आरंभ किया, किंतु वे इस प्रचार के लिए कभी कहीं बाहर नहीं गए। जो उनके पास आकर उपदेश ग्रहण करने की इच्छा करते थे उन्हीं की वे प्रतीक्षा करते थे। जो मैंने अभी कहा वही बात, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही, 40 वर्ष के बाद उन्होंने प्रचार प्रसार आवश्यक किया। 40 वर्ष तक तैयार हुए, कठोर साधना के बाद तैयार हुए, याद रखिए। और केशव चंद्र सेन जब एक बार आए, केशव चंद्र सेन उनसे अत्यंत प्रभावित थे। उस जमाने में केशव चंद्र सेन जैसा कोई सामान्य वक्ता, ऐसे वक्ता थे कि लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। वो संत प्रकृति के थे, साधक थे और निरंकारी इतने थे कि श्री रामकृष्ण के चरणों पर बैठ जाते थे। एक दिन बड़ी सुंदर घटना है, एक दिन केशव आए और तो श्री रामकृष्ण ने कहा कि तुम सचमुच बहुत अच्छा बोलते हो, तुम लेक्चर दो ना यहाँ पे। केशव कहते हैं कि मैं सुनने के लिए आया हूँ। फिर कहते हैं कि जैसे लोहार की दुकान में कोई सुई नहीं बेचता, वैसे मैं नहीं करता। दूसरी एक बार गए थे, श्री रामकृष्ण ने कहा चलो चलो केशव आए तो बहुत अच्छा है, तुम लोग बोलो, लेकिन मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ, जरा सी बात जो समझा हूँ। श्री रामकृष्ण ने क्या कहा, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यही सत्य है और कुछ नहीं। और श्री रामकृष्ण समाधिस्थ हो गए। श्री रामकृष्ण जब सामान्य अवस्था में आए तब उन्होंने कहा कि मेरे को जो कहना था वो मैं कह दिया, अब केशव तुम लेक्चर दो। केशव ने कहा आपने जो बोल दिया वो सब कुछ सार है, इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। किसी ने प्रॉम्प्ट किया कि आप बोलिए बोलिए, केशव ने डांट दिया। और जिसने इसको रिकॉर्ड किया है उनका कहना है कि सब लोग केशव की विनम्रता से दंग रहेंगे। तो केशव ने कहा था कि अगर आप मुझे इजाज़त देवें तो मैं आपके उपदेशों का प्रचार प्रसार आप करूँगा। श्री राम कृष्ण ने कहा था अभी वो समय नहीं आया, और जब समय आएगा तब ये हिमालय पर्वत भी इस यहाँ का जो संदेश है उसको रोक नहीं सके। ये तो अवतार पुरुष की शक्ति है, वो तो प्रचार प्रसार अपने आप करेगी, उसके लिए वस्तु या व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती। विवेकानंद नहीं होते तो कोई और कोई करता। श्री राम कृष्ण की अवतार की जो शक्ति है वो अपने आप प्रचार और प्रसार करते। तो यहाँ पर कहा लगभग 40 वर्ष की अवस्था थी तब उन्होंने प्रचार करना आरंभ किया। प्रचार करना आरंभ किया ये नहीं किया, उनके पास जो लोग आते थे उनसे बात करते थे बस। माँ जगदम्बा ने श्री राम कृष्ण को दर्शन देकर कहा था, माँ मुझे बड़ा अकेला लगता है, किससे बात करूँ, लोगों से संसारी लोग आते हैं उनसे बात करना अच्छा नहीं लगता, उनका मन इतना नीचा है, संसार में है, भोग में है, कामनी कांचन में डूबे हुए हैं, अपने संसार के ही चिंता में पड़े हुए हैं, उनको मैं क्या बात करूं कि ईश्वर दर्शन जीवन का लक्ष्य है, व्याकुल होना चाहिए, कामनी कांचन त्याग करना चाहिए, त्याग के बिना नहीं होगा, ये कैसे कहूं माँ, समझ में नहीं आता। तुम ऐसे त्यागी लोगों को भेजो कि जिनसे मैं बात कर सकूँ। माँ जगदम्बा ने कहा ये लोग आएंगे, थोड़ा सा प्रतीक्षा करो। और कितने वर्ष प्रतीक्षा की श्री रामकृष्ण, बोलिए 20 वर्ष। माँ जगदम्बा ने जब उन्हें कहा कि थोड़ा प्रतीक्षा करो ये लोग आएंगे, तब ये नरेंद्र, राखाल, लाटू, हरि जो आगे चल के ये सब सन्यासी शिष्य बने वे तब आए, तब तक श्री रामकृष्ण प्रतीक्षा करते थे। छत के ऊपर जा के कहते थे मेरे बच्चे तुम कहाँ हो, आओ आओ आओ। तो क्या कहते हैं यहाँ पर, किंतु वे इस प्रचार के लिए कभी कहीं बाहर नहीं गए।
जो उनके पास आकर उपदेश करने की इच्छा रखते थे उन्हीं की वे प्रतीक्षा करते थे, उनकी उन्होंने प्रतीक्षा की। He began to preach when he was about 40, but he never went out to do it. He waited for those who wanted teaching to come to him. यहाँ पर इस विषय को हम समाप्त करेंगे, क्योंकि इसके बाद में नई बात प्रारंभ होती है और वो है श्री राम कृष्ण का विवाह, माँ शारदा के संबंध में कुछ बातें, ये एक विषय दूसरा हो जाता है। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चेत् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे।